दोस्तों, आप सभी का प्रेम सागर के चैनल में स्वागत है। आज मैं बात करूंगा खुट्टा भाषा साहित्य की एक नई कहानी जिसका नाम है टिंडाग डुआनी। वाकई में एक ये कहानी नहीं बोल सकते आप इसे, क्योंकि ये श्री वंशीलाल वंशी जी की एक काव्य संग्रह है। इन्होंने काव्य लिखा हुआ है ये, और टिंडाग डुआनी जो है ये जो पुस्तक है इसमें इन्होंने वंशीलाल जी ने 6 पार्ट में 6 भागों में अलग अलग एक ही कहानी को अलग अलग लिखा है, 6 भागों में विभाजित किया है। जिसमें सबसे पहला जो काव्य है उसका नाम है डिंडा, दूसरा सपुन, तीसरा डहर, चौथा है हलस्तुल, पांचवा है पोहा और छठा है खानदार। मैं अलग अलग बारी बारी से एक करके जो काव्य है सबके बारे में मैं बताऊंगा। उसका जो मेन थीम जो है, जो कहानी है उसमें, उसके बारे में बताऊंगा। एक ही कहानी है लेकिन उसको अलग अलग भाग में विभाजित किया गया है और एक दूसरे से सारा कहानी लिंक है। और उससे पहले मैं बता दूं, डिंडाग डुआनी जो कहानी है, जो पुस्तक है, ये बंसीलाल वंशी जी की पहली खोटा काव्य रचना है। तो आप इसे याद रखिएगा कि डिंडाग डुआनी बंसीलाल वंशी जी की पहली खोटा काव्य रचना है, और इसे लिखने में वंशीलाल वंशी जी को 5 वर्षों का समय लगा था। तो चलिए आइए देखते हैं। सबसे पहले डिंडा, डिंडा का मतलब होता है घर द्वार। जैसे आप बोलते हैं ना, घर द्वार जो अपना जन्म स्थान होता है, घर की मिट्टी बोल सकते हैं आप, या अगर इसका पर्यायवाची शब्द बोले तो डिंडा का मतलब होता है घर द्वार, घर बाड़ी। ठीक है, तो इस काव्य में बंसीलाल वंशी जी ने बताया है कि झारखंड जो है ये एक प्राकृतिक छटा से भरा हुआ है, जिसमें अनगिनत नदी नाले, पहाड़ पर्वत, झरना फैला हुआ है, जिसमें भालू, सियार, हाथी, बाघ, मोर तितिर एक पक्षी होता है जिसको खोटा में तितिर ही बोलते हैं। पहाड़ एक कबूतर की जैसा होता है, कबूतर का आप जिसमें बोल सकते हैं, जंगली कबूतर बोल सकते हैं आप उसे, तो उसको पहाड़ बोलते हैं। उसके बाद अलग अलग प्रकार के पशु पक्षी हैं और सब प्रेम भाव से एक दूसरे से मिल के रहते हैं, एक ही साथ रहते हैं। यहाँ की माटी में अनेक प्रकार की खनिज संपदा दबी हुई है जिसके ऊपर नज़र पूरी दुनिया की है। लोग अलग अलग तरीके से उसे निकालने की कोशिश करते हैं, और चारों तरफ से जो प्रेम हवा और माटी की खुशबू है, उसी तरह यहाँ के लोग भी हैं प्रकृति प्रेमी और निर्मल व्यवहार और मधुर प्रेम भाव से एक साथ रहते हैं। और इस संस्कृति के साथ साथ यहाँ के लोग हाड़ तोड़वा मेहनत जिसको बोलते हैं, यानी कि खोटा में एक वर्ड है हाड़ तोड़वा मेहनत, तो यहाँ पे इसमें भी कहा है उन्होंने कि यहाँ के लोग जो है हाड़ तोड़वा मेहनत करते हैं। हाड़ तोड़वा मेहनत मतलब बहुत ही ज़्यादा मेहनती, और यहाँ के लोग जंगल के फूल को रख के एक साथ अखरा में सदान और आदिवासी मिलके सुंदर जिंदगी की साधना करते हैं। और उसी के साथ साथ जो भी शोषण होता है उसके लिए आंदोलन करते हैं, अत्याचार कर होता है उसके लिए आंदोलन करते हैं। और इस कहानी में, इस काव्य में जो कहानी है उसमें एक शीर्ष पात्र है जगन, जो इस उलगुलान यानी कि इस आंदोलन के, इस क्रांति के नायक हैं, और काफी खुशी मना रहे हैं आज पूरी समाज के साथ, पूरी आदिवासी समाज के साथ, उमंग से बोनतरिया लोगों के साथ माते हुए हैं। मतलब इन्होंने लिखा है बंसीलाल जी ने
कि आजादी के उमंगे गोटे वन तुरिया के संगे माइत उठे हैं, यानी कि जो भी जंगल के लोग हैं आदिवासी उनके साथ आज जगन झूम रहा है। उसी समय उसी संयोग पे उनके घर में एक धन रोपनी का जन्म होता है। धन रोपनी बोलते हैं जो धान रोपने वाले अकेले, क्योंकि जगन जो है वो गांव से रहने वाला है, तो गांव में रहने वाला तो जाहिर सी बात है जो भी उस घर में बच्चे होंगे तो खेत का काम करेंगे, तो खेत में एक धान रोपने का भी काम होता है, तो इसीलिए एक लड़की का जन्म होता है, तो इसीलिए कहा है एक धन रोपनी का जन्म होता है। और जगन के घर में झींगा झोर झूमत लागल, मतलब जगन के घर में पूरी धूमधाम से मौज मस्ती हुआ, और सभी मिल के उस नए बेटी का, उस नए मेहमान का नाम रखे हैं महुआ। जगन सपन काव्य में महुआ धीरे धीरे बड़ी होती है और अपने पिताजी के काम में हाथ बटाने लगती है, और जैसे जैसे बड़ी होती है वो पत्तर, जिसको पत्तल बोलते हैं हम लोग, पत्री और दोना, एक साल के पत्ते का पत्री बनता है, और दोना लेके बाजार में जाने लगी, बेचने लगी, तो बाजार में लोगों के घर द्वार रहन सहन देख के वो चौंक जाती है कि गांव के लोग जो सुबह से शाम तक अपने खेत में खलियान में मेहनत करते हैं, और शहर के लोग इतने ये में कुछ नहीं करते, इतना मेहनत भी नहीं करते, फिर भी वो अलग जिंदगी जीते हैं, और गांव के लोग जहाँ आज से 20 साल पहले थे आज भी वहीं पे हैं, और कभी भी उनको सुख नहीं, तो वो सोचती है कब हमारे जिंदगी में सुख के दिन आएंगे। और समय के चक्का घूमता है और शहर के लोग भी धीरे धीरे गांव में आते हैं, और जमीन की नपाई होती है, लोग सोचते हैं कि यहाँ पे कल कारखाना बनेगा, और यहाँ के लोगों का जो दुख का दिन है वो दूर होगा, यहाँ के लोगों को नौकरी मिलेगी, लेकिन अलग अलग लोग अपने जमीन लेके घर बनाए, शहर के लोग भी बस गए वहाँ पे, और लोगों पे जितने भी जंगल थे जंगल सारे कट गए, लोगों के जिन जो जरिया था जीने का पत्तल और दोना बेच के जो गुजर बसर करते थे वो भी छिन जाने लगा, लोगों के शोषण को देख के कर्मा सॉरी फुल महुआ काफी निराश हो जाती है। वो सोचती है क्या ये कैसा मनुष्य है जो एक दूसरे का एक खून चूसने में लगे हुए हैं, और मनुष्य मनुष्य पे ही अत्याचार और शोषण कर रहा है, इसका मतलब है ये पशुओं से भी ज्यादा गिरा हुआ है, ऐसा शोषण और अत्याचार देख के महुआ कसम खाती है कि नहीं हम इस शोषण को दूर करेंगे। और ये सारा शोषण अत्याचार देखते हुए उधर जगन जो महुआ के पिता है वो भी चल बसते हैं, बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं और महुआ को अकेले छोड़ के चल जाते हैं। और एक दिन महुआ अपने गांव के लोगों को लड़ने का गुर सिखाती है, उसी समय कोई उसके ऊपर पत्थर से वार करता है और वो घायल हो जाती है, इतने में वो घायल होके जमीन पे गिरने ही वाली होती है कि उतने में एक नौजवान उसे सहारा देता है और अपने साथ अपनी झोपड़ी पे ले जाता है, वहाँ पे उसकी होश आती है, तब वो नौजवान अपना परिचय देता है और उस नौजवान का नाम कर्मा है, और उसी समय कर्मा और फुलवा सॉरी कर्मा और महुआ दोनों भाई बहन के रूप में शोषण और अत्याचार के खिलाफ लड़ाई लड़ने के लिए कसम खाते हैं। अब कहानी का तीसरा पड़ाव जो बंसीलाल बंसी जी ने डहर काव्य के नाम से लिखा है, इसमें धीरे धीरे फिर वहां पे कारखाना बनता है, लोग जो विस्थापित हुए थे अपने घरों से ये उम्मीद लगाए कि हमें कारखाना में नौकरी मिलेगा, और वो कारखाने के अगल बगल झोपड़ी बना के रहने लगते हैं, और उसी झोपड़ी में एक झोपड़ी में कर्मा और महुआ अपनी झोपड़ी बना के रहते हैं और अपने उलगुलान यानी कि आंदोलन के दिया जलाते हैं, और कर्मा अपने गीत से लोगों को इकट्ठा करते हैं और
विरोध आंदोलन के प्रति जागरूक करते हैं, शोषण अत्याचार के विरुद्ध लड़ने के बारे में बताते हैं, और महुआ भी साथ साथ जो भी महिलाएं होती हैं उन्हें इकट्ठा करके शोषण के विरुद्ध लड़ाई के लिए बताती है। एक दिन कर्मा नदी पार करके लोगों को अपने गीत से बताने के लिए गए थे आंदोलन के बारे में इकट्ठा करने। उसी समय जब वो लौट रहे थे तो दामोदर नदी के किनारे काफ़ी शाम हो गई थी, तो उसे अचानक किसी औरत की रोने की आवाज़ आती है। फिर जब वो जाके देखता है तो देख रहा होता है कि एक औरत जो है वो नदी पे छलांग लगा रही है, और इतने में वो औरत नदी में छलांग लगा देती है। ये देख कर्मा भी चिंतित हो जाता है और वो भी छलांग लगाता है और उसे फिर नदी से उठा के किनारे में ले आता है। जब वो उस औरत को होश आता है तो वो अपनी दुख बताती है और अपना नाम सुगिया बताती है। सुगिया जो एक वो अपने बताती है कि मेरी शादी कुछ दिन पहले हुई थी जमींदार के बेटे से, और मैं अभी विधवा हो गई, तो उसके बाद से मेरे ऊपर पहाड़ टूट दुख का पहाड़ टूट पड़ा और मुझे काफ़ी सताया जाता है, शोषण किया जाता है, इसलिए मैं चाहती हूँ कि अपनी ज़िंदगी को समाप्त कर दूँ। ये सब सुन के कर्मा काफ़ी उदास होता है और उन्हें संतावना देता है और ज़िंदगी की मोहलत मोल जो ज़िंदगी अनमोल है वो समझाता है, ज़िंदगी की कीमत को वो समझाता है सुगिया को। और फिर से सुकिया को एक जीने की आस मिल जाती है और वो उसे लेके अपने घर जाता है। उधर कर्मा और सुगिया जब घर पहुंचते हैं तो पूरे गांव में ये बात फैल जाती है जंगल की आग की तरह। तब तक उसे जो जमींदार है सुगिया के ससुर जी उसे इस बात का पता चलता है, तो वो भी उसके घर आते हैं। तब तक सुगिया कर्मा और कर्मा सॉरी सुगिया कर्मा और महुआ ये तीनों कचहरी चले जाते हैं और कर्मा और सुगिया की शादी होती है, कानूनी हिसाब से कानूनी तरीके से शादी होती है। और जब वो शादी करने के बाद घर वापस लौटते हैं शाम को तो वो तीनों अपने घर को देख के काफ़ी अचक्के रह जाती है। क्यों? क्योंकि वो देखते हैं कि उनका जो घर है झोपड़ी है जमींदार के द्वारा जला दिया जाता है। ये चीज़ देख के कर्मा और महुआ काफ़ी उदास हो जाती है और कांपने लगती है। फिर उसके बाद वो तीनों शोषण के विरुद्ध अत्याचार के विरुद्ध लड़ाई लड़ने के लिए एक उल्कनान करने के लिए क्रांति करने के लिए तीनों कसम खाते हैं। उसके बाद आगे का जो पड़ाव है वो पड़ाव का नाम है हलस्तुल, इसके बारे में अब बताऊंगा मैं। हलस्तुल काव्य के माध्यम से वंशीलाल वंशी जी ने बताया है कि महुआ कर्मा और सुगिया सोचते हैं कि समाज में कितने भेदभाव हैं, अंधविश्वास हैं, शोषण है, अत्याचार है, कुटिल विचार है, ये सब ऐसे ही ख़त्म नहीं होने वाला है जब तक मनुष्य के अंदर चेतना नहीं आएगी। और इसी वजह से कर्मा सुगिया और महुआ दिन रात इस काम में लग जाते हैं कि लोगों को जागरूक करें, अधिक से अधिक लोगों को इस आंदोलन में शामिल करें। और वाकई में होता भी वही है, सभी मजदूर जो जमींदारों के यहाँ काम करते हैं वो जमींदारों के यहाँ काम छोड़ देते हैं और इससे जमींदार काफ़ी परेशान हो जाते हैं, और जिसका कारण जमींदार किसे मानते हैं, महुआ कर्मा और सुगिया को मानते हैं। और वो डिसाइड करते हैं, वो सोचते हैं, वो प्लानिंग करते हैं कि महुआ कर्मा और सुगिया को ख़त्म किया जाए। और इतने में कर्म पर्व जो कर्मा पर्व होता है भाई बहन का, वो कर्म पर्व आ जाता है। सब अखड़ा में जमा होते हैं, अखड़ा जहाँ पे उसे बोलते हैं जहाँ पे कर्मा पर्व में जो डाली रख के लोग जहाँ पे नाच गान करते हैं उसे अखड़ा बोला जाता है। अखड़ा में सभी जमा होते हैं और किस तरह से हमें
आंदोलन में लड़ना चाहिए उसके बारे में एक मत बनाते हैं, और उसके आगे हम देखेंगे अगली जो पड़ाव है कहानी की, जिसका काव्य के रूप में उन्होंने कहा है, उस काव्य का नाम है पोहा। उसके बाद का जो पड़ाव है उस काव्य का नाम है पोहा। इसमें बताया गया है कि गांव के लोग तभी भी वही थे और आज के भी लोग, गांव का सोच लोग वही है, लेकिन बस अंतर इतना है कि तभी के लोग गांव में जो शोषण और अत्याचार होता था जमींदारों के द्वारा उसे सह लेते थे, लेकिन आज सभी एकजुट हैं, लड़ने के लिए तत्पर हैं और इसी तरह सब कसम खाते हैं जमींदारों के खिलाफ लड़ाई लड़ने के लिए। एक दिन महुआ सरकारी ऑफिस जाती है कुछ काम से, उसी समय जब वो वापस आती है तो जमींदार लोग उसे मारने की चेष्टा करते हैं, जमींदार के गुंडे, लेकिन महुआ कोई ऐसी वैसी नारी नहीं थी, वो एक बाघिन की जैसी नारी थी जो हमेशा लड़ाई में काफी आगे रहती थी, तो उनके सामने वो गुंडे टिक भी नहीं पाते हैं। तो उन्हें तब समझ में आता है कि महुआ कोई छोटी ऐसी वैसी लड़की नहीं है। उसके बाद जब वहाँ से वो लौट के आती है तो महुआ ऐलान करती है कि वैसे जमीन जो जमींदारों के द्वारा छीन लिए गए हैं उन्हें हम फिर से अपने हक में कर लेंगे, फिर से छीन लेंगे, और एकजुट होकर सभी अपने जमीन में दखल करने के लिए जाते हैं। इतने में जमींदार अपने गुंडों के साथ वहाँ पहुँचता है और महुआ के ऊपर लाठी डंडों से वार कर देता है। इससे क्या फिर क्या होना था, उसके सर से काफी खून निकलने लगता है और वहीं पे वो गिर जाती है, और धरती के जो दुलरवा बेटी थी, दुलरवा मतलब चहेती को बहुत प्यार से लोग बोलते हैं, हम लोग कोठा में दुलरवा बहुत प्यार इसको बोलते हैं, तो धरती की दुलरवा बेटी धरती के लिए अपनी प्राणों की आहुति दे देती है, शहीद हो जाती है। ये खबर जब कर्मा को मिलती है तो काफी निराश और हताश हो जाता है। फिर इतने में उधर सुगिया एक बेटी को जन्म देती है और सुगिया बोलती है कि एक कर्मा एक महुआ गई तो क्या हुआ, दूसरी महुआ गई और हजारों महुआ इस गांव में तैयार होगी। इससे कर्मा को एक नई आशा मिलती है और जो अखरा होता है वहीं पे एक महुआ की लाश को जलाने के लिए एक ये क्या बोलते हैं उसे, चिता बनाया जाता है। उसमें उस चलते सीता के सामने पूरे गांव के लोग कसम खाते हैं कि नहीं, हम जो है जमींदारों के शोषण और अत्याचार को खत्म करेंगे, और साथ ही साथ सब के मन में एक ही चीज आता है, क्या, माई माटी और मानुष के मान के लिए हम संकल्प रहेंगे, और एक संकल्प उनके अंदर एक आंदोलन, एक क्रांति उनके अंदर पैदा होती है। अब देखते हैं आगे हम जो आखिरी पड़ाव है, जो कहानी का अंत है, उस कहानी में खानदार काव्य के नाम से इन्होंने लिखा है। इसमें देखते हैं क्या है, इस पड़ाव में खानदार, खानदार का मतलब होता है खंडर, जो भी कारखाने बहुत पहले बने थे वो आज खंडहर हो चुके हैं। इस बीच कितने लोग हैं जो तलिया गए हैं, तलियाना का मतलब होता है काफी अमीर हो गए हैं, कोटम होते हैं तलियाए, तो तलिया गए कितने लोग, और कुछ लोग आज भी एक खाने के लिए भी तरस रहे हैं, इधर से उधर भटक रहे हैं, फिर भी लोग सभ्यता और संस्कृति के लिए, नर नारी नए दहर के लिए आगे चल रहे हैं और अपनी मिट्टी के लिए जान देने के लिए भी तैयार हैं, और सभी इस प्रकार एक हलस्थूल गीत, क्रांति के गीत गाने लगते हैं। महुआ बतवल डहरे आज ने तो काय हतई नौतन बिहान, पूरा हतई सभेक सपून आज नौतन सूर्जेक आलोक सिराय जीते डिंडाक डोवानी। तो इस तरह से दोस्तों ये पुस्तक की जो भी काव्य थी और कहानी खत्म होती है।
अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो जरूर जरूर लाइक और शेयर जरूर करें, और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए, और नोटिफिकेशन बेल को जरूर आप ऑन कर दीजिए, सब्सक्राइब बटन के बगल में वो जो बेल बना हुआ है उसे आप क्लिक कर दें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। तब तक के लिए टेक केयर, धन्यवाद, अपना ख्याल रखें, खुश रहें, धन्यवाद।